हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मीठी मटरी की रेसिपी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। अभी नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रे जैसे ही हमारे हुए तो विजयादशमी, उसके बाद ये करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है। और करवा चौथ की जो थाली होती है, पूजा की थाली, उसमें मीठी मटरी रखी जाती हैं। तो उनको हम घर पे किस तरीके से आसानी से कम समय में बना सकते हैं, कम खर्चे में बना सकते हैं और टेस्टी होंगी, हेल्दी होंगी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम कैसे इनको बनाएं घर पे। तो आप इसके लिए पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे डाला है दूध मावा बर्फ़ी का वीडियो, तो वो भी काफ़ी पसंद किया है लोगों ने। अगर आप वो रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ बनाना। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो मैदा में 100 ग्राम या 70-80 ग्राम कम, क्योंकि पहले मैंने कुछ बनाया था रेसिपी तो थोड़ा सा उसमें यूज कर लिया था पैकेट को, और जो बचा हुआ था उसका मैं आज ये मठरी बना रही हूँ। तो एक कटोरी मैंने इसमें मोइन के लिए घी डाल दिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हमारा आटा मैदा मतलब जो बाइंड होने लगेगा, इसके पेड़े बनने लगेंगे, तो इसका मतलब कि हमारा जो ये मोइन डाला है हमने घी, वो परफेक्ट है। इसको ज़्यादा भी नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है। ज़्यादा डालते हैं तो क्या होता है, वो बिल्कुल फट जाता है फिर मैदा, उससे फिर बीच में दरारें जैसी आ जाती हैं। और अगर कम डालते हैं तो वो चिपचिपा पूरी जैसे बन जाता है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पानी की जगह दूध का मैंने यूज़ किया है, क्योंकि दूध से ज़्यादा हेल्दी बनेगा। घर में अपने लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने दूध का यूज़ किया है। आप पानी ले सकते हैं, और मार्केट में भी जो हलवाई के पास मट्ठी बनती है उनमें भी पानी से ही वो डो लगाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने टाइट इसका डो लगा लिया है, जैसे पूरी पराठे का डो होता है। और इस तरीके से हम अब एक बड़े पेड़े का साइज़ का ये मैदा ले लेंगे, बड़े साइज़ का, क्योंकि जितना बड़ा ये चकला है उतना बड़ा हमने इसको बेलना है। इससे हम एक ही बार में 2-3 मठरी निकाल लेंगे। बड़े साइज़ की बनाएंगे तो 2-3 निकाल लेंगे, और अगर छोटे साइज़ के बनाएंगे तो 6-7 भी निकल आती हैं। तो इस तरीके से कम टाइम में ज़्यादा मठरी हमारी बन जाती हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है और मेहनत भी कम लगती है। तो आप भी ज़रूर ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी बचत हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये कटोरे का ढक्कन, तो इससे बड़े बड़े साइज़ की हमारी मठरी निकल रही हैं और बिल्कुल राउंड शेप में, गोल गोल मतलब। और इस तरीके से हम इसको थोड़ा हाथ से प्रेस करके और इनको निकाल लेंगे। वैसे इनको इनके लिए कुकीज़ कटर होते हैं, तो वो मेरे पास था नहीं। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप कुकीज़ कटर से भी कट कर सकते हैं। तो दो मठरी हमारी बड़े साइज़ की यहाँ पे बन गई हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो दूसरी तरफ मेरा ऑयल, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, अच्छे से गर्म हो गया है, काफ़ी पहले से मैंने रखा हुआ था। और जैसे मैंने ये मठरी डाली है इसमें, तो अभी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि ऑयल अच्छे से गर्म हो रखा है। हाई फ्लेम पे मैं अगर डालती तो वो एकदम जल जाती। तो अब हम इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, और जब तक कि इनका कलर दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इनको सेकेंगे। और इस तरीके से आसानी से हमारी मठरी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मठरी हमारी बन रही है। और ये देखिए, अगर आपके पास बड़ा बर्तन है, कढ़ाई वगैरह बड़ी है, ऑयल ज़्यादा डाला है आपने, तो एक बार में बहुत सारी मठरी तल जाती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कम ऑयल भी लिया है और बर्तन भी छोटा है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी बार ये पराठा साइज़ का वो बना रही हूँ। फिर यहाँ पे अब मैं छोटे साइज़ की मठरी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक डिब्बे का ढक्कन, जो कि पहले के ढक्कन से छोटा है, तो इससे एक ही बार में बहुत सारी मठरी बन जाएंगी। ये देखिए आप, पहले तो दो ही बन पा रही थी और अभी काफ़ी बन गई हैं। तो आप भी इस तरीके से ये टिप्स यूज करके कम टाइम में ज़्यादा मठरी बना सकते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा हाथ से दबा के प्रेस करना है, और ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको हमने निकाल लिया है। तो देखिए आप, इतनी सारी मठरी हमारी एक बार में बन गई हैं। इनको भी हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से, जब तक कि इसका अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए, और अब हम
इसमें एक साथ मैंने काफ़ी डाल दी हैं क्योंकि छोटी छोटी थी। तो अब बनाएंगे यहाँ पे चाशनी। चाशनी के लिए मैंने आधा गिलास पानी डाला है और ये एक कटोरा चीनी। तो इसका मेज़रमेंट यही होता है कि एक गिलास, एक कटोरा चीनी, आधा कटोरा पानी, मतलब चीनी का आधा हमने पानी डालना होता है, तभी हमारी परफेक्ट चाशनी बनती है। और जैसे ही हमारी ये चीनी और ये मेल्ट होता है तो हम इसको चेक कर लेंगे। हमें इसको दो तार की चाशनी बनाना है। अभी इसमें उबाल आ गया है, मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो काफ़ी मोटी लहर इसमें बन रही है। तो अब हमारी चाशनी परफेक्ट है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख लेंगे और जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है, मतलब बिल्कुल ठंडा भी नहीं लेकिन हाथ में सहने लायक ठंडा, तब हम इसको अपने ये जो हमने मठरी बनाई है उसके ऊपर से हम इसको डाल देंगे, इक्वली फैला देंगे। और मठरी भी इसको जैसे जूस को पी के अच्छा सा इसका स्वाद बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मठरी में वो चाशनी डाल के और मठरी को मैंने दूसरी प्लेट में रख लिया है यहाँ पे सर्व करने के लिए। और ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार करवा चौथ पे अपने घर में बनाई हुई मठरी। आई होप आपको भी ये पसंद आई होगी, सिंपल सी, आसान सी, कम इन्ग्रीडियंट्स में बनने वाली। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और इससे पहले मैंने मावा बर्फ़ी का वीडियो डाला है, वो भी काफ़ी पसंद किया है लोगों ने, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।